नमस्कार, सुप्रभातम, वणक्कम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है छपाक हुआ माने सदिया आ गया हूँ, इसके साथ में शर्मा सार के साथ में उनका कार में बैठ के सदिया टाउन पहुंच गया हूँ। यहाँ अभी हम लोग रुक्मिणी उद्यान, रुक्मिणी पार्क में कुछ बुक लॉन्च होने जा रहा है, एक नया बुक रिलीज होगा माननीय लेखक श्री अनंत सेतिया द्वारा। तो आइए इस आसामी पुस्तक का बुक लॉन्च प्रोग्राम को आनंद लेते हैं। दोस्तों, यह बुक जो है ये आसामिया भाषा में लिखा गया है। अभी इस बुक में क्या है, बिहूर सूला इत्यादि गल्प, ये शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है। ये कलेक्शंस ऑफ आसामीज शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय माननीय श्री अनंत सेतिया महोदय, और इसको पब्लिश किया है अनुशीलन प्रकाशन, और ये पहला एडिशन से अप्रैल 2022। इस पुस्तक का कीमत 170 रुपीस है। कार्यक्रम में दूर दूर से बुक लवर्स, साहित्य प्रेमी और अनुरागी उपस्थित हुए हैं। इसमें धौला और तिनसुकिया और इवन नाहरकटिया और हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी हम लोग उपस्थित हुए हैं। आजकल के ज़माना में किताब पढ़ने वालों की संख्या बहुत कमी है, और किताब लिखना भी आजकल शायद कम हो गया है। लेकिन देखिए, दूर सदूर सदिया में यह कोशिश हमारा अनंत सार द्वारा किया गया है। आइए परिचय देते हैं ऑथर के। माननीय श्री अनंत सेतिया महोदय संस्कृत का महापंडित है, वो संस्कृत बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और उसका कक्षा भी लेते हैं। उसका अलावा उन्होंने बहुत सा किताब लिखा है। अभी इसका पहले जो किताब है वो धैत्तेरिया का था, और अभी जो है बिहूर सूला संग्रह करी संकलन हिसाबे और किताब हिसाबे तैयार करा হৈছিল। এই নতুন কৈ তৈয়ার করা গল্পখন উন্মোচনের কারণে আমি আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিছিলো, আর সেই অনুসৰি আপোনালোক সমবেত হৈছে। কিতাপখন মান বিশিষ্ট হৈছে বুলি নহয়, তেখেতে প্ৰকাশন বিভাগত কাম কৰে আৰু তেখেতৰো পৰামৰ্শ মৰ্মে এই কিতাপখন তৈয়াৰ হৈ উঠিল। গতিকে উদ্দেশ্য জনাৰ পাছত এইখিনি ব্যাখ্যাকে আগবঢ়ালোঁ, আৰু আশা কৰোঁ কিতাপখনৰ উপযুক্ততা আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব, আৰু যিখিনি ক্ষেত্ৰত সমালোচনাৰ অত্যন্ত দৰকাৰ সমালোচনা কৰিব, যাতে সেই সমালোচনাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ উন্নত কিবা এটা চেষ্টা কৰিবলৈ সমল পাওঁ। এইখিনি কৈছিলোঁ আৰু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা সামৰিছোঁ। অভিনয় করা আমি দেখি আইছো। আজি মো হঠাৎ এটা কথা মনত পৰিছে, অনন্ত সেতিয়াদেৱৰ ইয়াৰ আগত যিখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছিল নামটো চাগে ধেত্তেৰি আছিল নেকি। এতিয়া মনত পৰিছে যে অনন্ত সেতিয়া আৰু মই আমাৰ গাঁৱৰ ক্লাবঘৰত এখন নাটক কৰিছিলোঁ, নাটকখনৰ নাম আছিল ধেত্তেৰি। হয় চাগে, খুব মানে ৰখাল এখন নাটক আছিল, তাৰ নাম আছিল ধেত্তেৰি। আচ্ছা, সেই ধেত্তেৰি প্ৰায় লাহেকৈ তেখেতে ওলাই আহিছে। অনন্ত চেতিয়াৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে তেখেতে সংস্কৃতত। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ।